है बाढ़ का पानी खतरा के निशान से ऊपर बहता है तो यहाँ देखने में आ रहा है कि पप्पू यादव का वोट खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हाँ। पप्पू यादव का वोट खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, सारे लोग घबरा गए हैं देख के कि क्या माहौल हो गया। इसका वोट एक जात का नहीं है, हिंदू का वोट, मुसलमान का वोट, सिख का वोट, ईसाई का वोट, राजपूत का वोट, भूमिहार का वोट, ब्राह्मण का वोट, कोयरी का वोट, कुर्मी का वोट, मुसलमान का वोट, ताती का वोट, दुनिया का वोट, दुनिया का वोट, सबका इसका वोट, दलित का वोट, सबका वोट अगर मिल जाए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता अगर है तो एक जात, दो जात, तीन जात का वोट मिल रहा है। पप्पू यादव ऐसा नेता है पूरे हिंदुस्तान में आज के तारीख में जो हर जाति का वोट ले रहा है, ये किसी को नसीब नहीं है मेरे साथियों। मनोज पासवान, देखिए पूर्णिया की धरती एक बार नहीं, कई इसका प्रमाण है। 1991 से लेकर अब तक एक बार नहीं, तीन तीन बार पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को अपना बेटा मानता है और अपने बेटा को आशीर्वाद देकर, चाहे वो नारियल छाप हो, चाहे वो साइकिल छाप हो, चाहे वो चापाकल छाप हो, यहाँ के कलेक्टर वोट गिनती नहीं कर पाए। हाँ। वही स्थिति है। फिर इस बार देखिएगा, जब पहले बायलेट पेपर चलता था तो यहाँ के जो आरओ थे कलेक्टर, वो पप्पू जी के हाथ जोड़ लिए थे, जो पप्पू जी सारा वोट आपका ही है, अब गिनती बंद करवा दीजिए। वही स्थिति इस बार पूर्णिया की जनता करने जा रही है। यहाँ मोदी आए कि लालू है, कि लालू का राजकुमार है, कोसी सीमांचल अपने बेटा और भाई को जानता है, सच्चा सेवक है पप्पू। कहीं आग लग जाए, कहीं कोई दुर्घटनाएं हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो, प्रशासन और पुलिस के पहुंचने से पहले पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं और हर किसी को सहायता करते हैं, मदद करते हैं। आपको याद दिलाएं, अभी पूर्णिया में तमाम दलित वर्ग के लोग, चाहे पासवान हो, चाहे पासी हो, ऋषि हो, मुसहर हो, राम हो, रविदास हो, आदिवासी हो, तमाम गरीब गुरुवा दलित शोषित पप्पू जी के दीवाने हैं। यहाँ कोई जाति धर्म मजहब काम करने वाला नहीं है। दूसरी बात, ये पूर्णिया कोसी और सीमांचल की धरती, इसी धरती से भोला पासवान शास्त्री तीन तीन बार बिहार का मुख्यमंत्री रहा है, इसी कोसी से जगन्नाथ मिश्रा तीन तीन बार रहा है मुख्यमंत्री, इसी कोसी में बीपी मंडल मुख्यमंत्री हुए। लालू को पता है कि पप्पू अगर आगे आ गया तो कल उसका कुर्सी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोसी सीमांचल अब तय कर लिया है, अपने बेटा के साथ तमाम लोग खड़ा है। और आने वाले समय में पप्पू यादव, अभी तो सांसद का चुनाव है, आगे देखिएगा 25 में पप्पू यादव बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ये कोसी सीमांचल ने तय कर लिया। धन्यवाद। कहना चाहते हैं, ये पूर्णिया जिला पूरे हॉट सीट पर आ गए, ये दिल्ली से हो या पटना से हो, हर पत्रकार पूर्णिया आते हैं। पूर्णिया इतना हॉट सीट पर क्यों हो गया? ये हॉट सीट बनाने का कारण है पप्पू तेजस्वी और लालू यादव जी ने। आज पप्पू यादव हर घर का बेटा है पप्पू यादव, और आपको नज़र नहीं आ रहा तेजस्वी जी, आप एकदम पंचायत का चुनाव के तरह आप प्रचार कर रहे हैं, क्या बच रहा है आपका? जनता अगर 5,000 आपके भीड़ में है तो वहाँ 2,000 जनता पप्पू यादव का ही नाम लेता है। आप छोड़ दीजिए पूर्णिया जिला का, कुछ बचा है तो छोड़ दीजिए पूर्णिया जिला, ये पूर्णिया जिला पप्पू मैमय हो गया है। हम पूछने चाहते हैं आज कि पप्पू मैमय क्यों हो गया? आज कोरोना काल में यही पप्पू यादव ऑक्सीजन अपना कन्हा पर उठाने का काम किया, बाढ़ पीड़ित में ट्रैक्टर चला के वो पानी पहुंचाने का, नाश्ता पहुंचाने का, खाना पहुंचाने का काम अगर कोई किया है तो वो पप्पू यादव किया है। हम आज पूछना चाहते थे तेजस्वी जी से, कोरोना काल में आप कौन केवाड़ लगा के छिटकन्नी लगा के बंद थे? उस समय जनता जनार्दन का मदद करना चाहिए ना, जब पप्पू यादव मदद कर रहा था
तो आज जनता देखी, जनता जो चीज देखता है वही चीज बेचता भी है। जनता जो देखेगा उसी को जनता वोट करेगा। आज पप्पू यादव कोरोना काल के समय कौन मंत्री था हम नहीं बता सकेंगे, जो उतना एम्बुलेंस को तिरपाल से ढक कर रखा गया था, वही राजीव प्रताप रूडी, जो कि तिरपाल से ढक के रखा था, एक शख्स वही था पप्पू यादव, जाके तिरपाल उघार करके देखने का काम किया। सारा एम्बुलेंस देखते हैं लगा हुआ है, कोरोना काल में एम्बुलेंस घर में रहता है, वो सब नेता वोट मांगता है। हम तो जनता से कहते हैं भैया कम से कम देखिए, आप तो मीडिया का समय आ गया, हर चीज़ का समय आ गया, हर एक पॉकेट में मोबाइल है, खोलते हैं हर चैनल देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, लेकिन समझने का थोड़ा सा काम कीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए। ये लोग कुछ कहता है कि हमको 5 किलो अनाज खिलाता है, हम पूछना चाहते हैं मोदी जी अपने घर से 5 किलो अनाज खिलाते हैं? आज एक लुंगी खरीदने जाइए उस पर GST, एक गमछा खरीदने जाइए उस पर GST, एक बाल कैंची से जो काटते हैं उस पर GST, एक चप्पल खरीदते उस पर GST। कल किसान अगर अपना खाने के लिए सिर्फ अनाज उपजावे तो कहाँ से लाएगा मोदी जी 5 किलो अनाज देगा? ये तो ढकोसलाबाजी बंद कीजिए। सब जनता जनार्दन जान गया है, अगर मोदी जी चला जाएगा क्या 5 किलो अनाज आपको नहीं मिलेगा? ये राशन कार्ड किसका बनाया हुआ? मोदी जी के बनाया हुआ है। अरे मोदी जी का बनाया हुआ है, हम पूछना चाहते हैं मोदी जी का बनाया हुआ है? तो बहुत पहले से चल रहा है। तो फिर इसमें इसमें बकवास क्यों? जनता को गुमराह किया जा रहा है। अरे भैया ये फिल्म देखे थे हम लोग, फिल्म का नाम भूल रहे हैं, अमरीश पुरी कहा था, अरे लोगों को पहले खिलाने का आदत डालो, नायक फिल्म, खिलाने का आदत डालो, जब सब खाने के लिए आ जाएगा तब एक बार टिप्पा लेने का आदत करो। वही काम करने के जा रहा है मोदी जी। आपस में नफरत, सबको लड़ाते हैं, ये चमार दुसात फलना चिल्ला ये वो। अरे भैया देश जब से आजाद हुआ हर व्यक्ति ने कुर्बानी दिया देश में, हर व्यक्ति सब आदमी कुर्बानी दिया। अब्दुल ऐसा कलाम जो अपने कुछ नहीं किया जीवन में, सारा शरीर संपत्ति लगा दिया भारत में, लेकिन आज उसके नाम नहीं बोलेगा। इस 4 दिन अगर मोदी जी आ गए पूरा हल्ला है मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे भैया मोदी जी कुछ करके दिखाइए। आज राष्ट्रपति वो बहुत डबल पर बैठा है मुर्मू जी, उससे क्यों ना उद्घाटन कराता है? हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, और हम समाज से पूछना चाहते हैं, उस बिरादरी से पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं उससे उद्घाटन करा रहे हैं? खाली मुखड़ा बना के रखे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है और जनता इस बार आपको जवाब देगा। लेकिन थोड़ा सा गलती किया तेजस्वी यादव, अगर ये पूर्णिया सीट पप्पू यादव को सीट दे देता तो ये कोसी कमिश्री में हर एक सीट पर जो है बढ़त बनते चले जाता। ये सीट यहाँ नहीं देने का कारण और सीट में जा करके इसके पेच फंस रहा है। ये पूर्णिया सीट छोड़ के चले जाते तेजस्वी, और सीट पर मदद करे, हम लोग भी मदद करने का काम करेंगे। तेजस्वी अगर जान रहा है इस चीज़ को कि पूर्णिया जिला पप्पू यादव का मैं हो गया, तो यहाँ से छोड़ करके आप और जगह सीट है वहाँ चले जाइए, यहाँ मत परेशान कीजिए। जितना परेशान कीजिएगा इनको उतना जनता परेशान होगा, और परेशान होगा जनता, इतना परेशान होगा कि 26 तारीख को खाली कैचिए चलेगा, कैचिए कैची कैची कैची। और आपको बता देते आने वाला समय ये पूर्णिया जिला इतिहास में रचा जाएगा। वो रचने का काम करेगा, कोई करेगा तो वो पप्पू यादव करेगा। ये पूर्णिया जिला का नाम अगर कोई रोशन करेगा तो पप्पू यादव रोशन करेगा। और हम कहना चाहते हैं आज पूर्णिया जिला वोट सीट पर आ गया, पप्पू यादव को जनता हर घर से बेटा मान लिया, इसलिए मान लिया कि कहने का लायक ये पूर्णिया जिला जो है बहुत दूर तक चला जाएगा आवाज, ये काम पहुंचाने का काम किया है तो पप्पू यादव ने किया है। जब पप्पू यादव इतना बड़ा काम किया तो उसके साथ घर घर से हर बिरादरी, हम जुन्नी इस्तमरार का सरपंच साहब बोल रहे हैं, वार्ड सदस्य मुखिया सरपंच पांच जितना है सारा आदमी पप्पू भाई को मदद करने का काम कर रहे हैं। काहे पूर्णिया जिला इतना हॉट सीट पर आ गया, वो पूर्णिया जिला इतना हॉट सीट पर लाने वाला वो पप्पू यादव है। उनको हर घर से सारा वोट, सब बिरादरी का वोट पप्पू यादव को जाएगा। है तेजस्वी जी, हम कहना चाहते हैं
आपने भूल कर दिए। आप दोनों बाप बेटा में अगर मिलता कर लेते, पप्पू यादव भी तो आपका बेटा होता, आपका आपका तेजस्वी जी आपका भाई होता, लालू जी का आप बेटा तो होता, अगर दोनों मिल जाता। मोदी जी जो 400 के पार नारा दिया था उसको 50 के पार या 100 के पार रखने का काम करता। लेकिन ये पूर्णिया जिला या बहुत बड़ा गलती की है, जो कि सारा जहाँ जहाँ आपका सीट है वहाँ वहाँ दिक्कत हो रहा है। ये सीट को छोड़ दीजिए तो और सीट में हम लोग मदद करेंगे, लेकिन पूर्णिया जिला सीट छोड़ दीजिए। आप अभी तक अगर समझ गए हैं तो छोड़ करके और जगह आप चले जाइए, बहुत अच्छा की बात रहेगा। पप्पू यादव को नहीं चमकने दे रहा है लालू यादव। मेरा कहने का मतलब यही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पनकने का काम नहीं दे रहे, इसलिए कि आने वाला समय जान रहा है कि पप्पू यादव के साथ हर समाज का वोटर एक्टिव हो चुका है कि संसद चाहिए तो पप्पू यादव ऐसा चाहिए। हम लोग तो भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से सबसे प्रार्थना करते हैं आने वाला समय अगर पप्पू यादव मुख्यमंत्री अगर पटना बिहार में बन गया तो आने वाला समय देख लीजिएगा हर एक बिहार का बहुत बड़ा उपकार होगा, बहुत बड़ा बिहार का विकास होगा। लेकिन हमने कहा था कि लालू तेजस्वी यादव आपने गलत किए, सोचे कि पप्पू यादव को अगर हम हरा देते हैं, हटा देते हैं, एड़ी चोटी जो लगा दिए पंचायत के तरह, जो हम लोग पंचायत में चुनाव लड़ते हैं ना उसी तरीका आप बना दिए हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, आप सुन लीजिए, आप जो सोच रहे कि पप्पू यादव जीत के यहाँ से जाएगा तो मेरा लोकप्रिय घटेगा, मेरा सीढ़ी घटेगा, और आप खुद यहाँ गलत किए हैं तो परिणाम कौन भोगेगा? आपने भोगिएगा। जनता उतना बेवकूफ़ नहीं, आपके पास उजला ले रहेगा। और यही कहते हैं जनता से कि आने वाला समय 26 तारीख को घर से निकल करके मुँह धोना है, सबसे पहले जा करके 6 नंबर पर कैंची पर बटन चपाना है, और इतना बटन चपाना है ये पूर्णिया जिला का दिल्ली देश विदेश में डंका बजा है। और अगर 4 तारीख को अगर भूत खेले 4 तारीख को अगर भूत खेले, चार तारीख को अगर खुलेगा बूथ देश विदेश में डंका जो बज रहा है उसमें हम लोग को पूर्णिया जिला का बहुत बड़ा नाम होगा। वो पप्पू यादव बहुत अच्छा आदमी है। जय हिंद साथियों। नहीं आजाद 1992 से हम पप्पू यादव के साथ में, कब से 92 से 32 बरस से हम पप्पू यादव के साथ में है। आज के तारीख में कलकत्ता सेट कर गए हम, फिर भी कलकत्ता से हम आए। ये सबसे बड़ी खूबी पप्पू यादव के अंदर बतावे, पप्पू यादव के अंदर सबसे बड़ा खूबी ये है कि इनके पॉकेट में 2 लाख रुपए डाल दीजिए सुबह में और शाम तक 2 रुपये के पॉकेट से नहीं निकाल सकते हैं। गरीबों में, यतीमों में, लंगड़ा लुल्हा कोढ़िया में सब बांट देते हैं। सबसे बड़ा खूबी तो ये है। दूसरी बात यह है, जो लंगर चला है 15 तारीख ये दिल्ली में, पूरे बिहार के लोग जाके खाना खाए। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब जात के लोग खाना खाए। जो चुनाव जो हो रहा है, लोग का मुद्दा पाइए, चुनाव जो हो रहा है ये जैसे जो है बाढ़ का पानी खतरा के निशान से ऊपर बहता है, तो यहाँ देखने में आ रहा है कि पप्पू यादव का वोट खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हाँ, पप्पू यादव का वोट खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सारे लोग घबरा गए हैं देख के क्या माहौल हो गया। इसका वोट एक जात का नहीं है, हिंदू का वोट, मुसलमान का वोट, सिख का वोट, ईसाई का वोट, राजपूत का वोट, भूमिहार का वोट, ब्राह्मण का वोट, कोयरी का वोट, कुर्मी का वोट, मुसलमान का वोट, ताती का वोट, दुनिया का वोट, सबका इसका वोट, दलित का वोट, सबका वोट अगर मिल जाए पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता अगर है तो एक जात, दो जात, तीन जात का वोट मिल रहा है। पप्पू यादव ऐसा नेता है पूरे हिंदुस्तान में आज के तारीख में जो हर जाति का वोट ले रहा है। ये किसी को नसीब नहीं है मेरे साथियों। और दूसरी बात यह है कि एक शेर पढ़ दे रहे हैं, नूर है क्षमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर क्षमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। कुंदन यादव हुआ, क्या कहना चाहते हैं सर? पूर्णिमा, पूर्णिया की जनता बहुत काबिल है, इधर उधर तो नहीं है करेंगे। जो गरीबों की मासिया है, जो सबों के दुख में सुख में आते हैं और देखते हैं, वो तो उसी को मतदान करेंगे। अब जनता बेवकूफ़ थोड़े रहा, कहाँ करना है नहीं करना है।